साधो दो बैलों की कथा कहानी पढ़ी। आज हम उससे संबंधित अभ्यास हल करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे शब्दार्थ। पहला शब्द है नांद। नांद का अर्थ है चौड़े मुंह का, गोल पैंदी वाला, मिट्टी या सीमेंट का बना बर्तन। दूसरा शब्द है आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ हैरानी। तीसरा शब्द है जल भुन जाना, अर्थ है मन ही मन में गुस्सा होना। चौथा शब्द है सख्त, अर्थ है कठोर। पांचवा शब्द है दुर्दशा, अर्थ है खराब हालत। फिर है स्वतंत्र, अर्थ है आजाद। उसके बाद है प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ है खुश। उसके बाद है प्रबंध, प्रबंध का अर्थ है व्यवस्था। उसके बाद है प्रयत्न, उसका अर्थ है कोशिश। उसके बाद है व्याकुल, उसका अर्थ है परेशान। उसके बाद शब्द है लाचार निगाहों से, अर्थ है मजबूर होना। उसके बाद शब्द है होश उड़ जाना, अर्थ है डर जाना। उसके बाद शब्द है नीलाम करना, अर्थ है बोली लगाकर बेचना। उसके बाद आपका शब्द है दम बाकी ना रहना, अर्थ है बहुत कमजोर हो जाना। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है झूरी के बैलों का नाम क्या था? बताइए बच्चों क्या नाम था? मैंने आपको बताया था, जी हाँ, बैलों का नाम था हीरा और मोती। दूसरा प्रश्न है रास्ते में बैलों को किसने पीटा? बताइए किसने पीटा? जी हाँ, गया ने। तीसरा प्रश्न है बैलों को किसने खोल दिया? बैलों को लड़की ने खोल दिया। चौथा प्रश्न है दोनों बैलों के माथे किसने चूमे? बताइए बच्चों। जी हाँ, दोनों बैलों के माथे चूरी की पत्नी ने चूमे। उसके बाद आते हैं आपके बहुविकल्पिक प्रश्न, अर्थात सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। पहला प्रश्न है बैल किसे बहुत चाहते थे, गया को, झूरी को या झूरी की पत्नी को? सही विकल्प है झूरी को। दूसरा प्रश्न है किसने बैलों से सख्त काम लेना शुरू कर दिया? विकल्प है गया ने, झूरी ने, व्यापारी ने। सही विकल्प है गया ने। तीसरा प्रश्न है क्या देखकर बैलों की भूख और भी तेज हो गई? विकल्प है गेहूं का खेत, दूसरा विकल्प है हरा चारा और तीसरा विकल्प है हरी हरी मटर। तो सही विकल्प है इसका हरी हरी मटर। उसके बाद है सही सही मिलान कीजिए। तो आपका पहला वाक्य है झूरी की पत्नी ने उनके सामने, इसका उत्तर है रूखा सूखा भूसा डाल दिया। दूसरा आपका वाक्य है सुबह होने पर झूरी ने, इसका उत्तर है उन्हें थान पर खड़े देखा। तीसरा है आपका गया के घर में एक, इसका उत्तर है छोटी सी लड़की रहती थी। चौथा है दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। पांचवा है भूख सहते सहते हीरा मोती, उत्तर है बहुत कमजोर हो गए थे। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको जो हमने ये अभ्यास मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसे अपनी पुस्तिका में लिखकर याद करना है।